महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर के बाद अब औरंगजेब के मकबरे को लेकर चर्चा छिड़ गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने औरंगजेब के मकबरे को ढहाने की मांग की है। एमएनएस की धमकी के बाद औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एमएनएस के प्रवक्ता गजानन काले ने ट्वीट कर कहा कि शिवाजी की भूमि पर औरंगजेब की कब्र की क्या जरूरत है, जमींदोज किया जाए ये कब्र ताकि इनकी औलादें यहाँ माथा टेकने नहीं आएंगी। दरअसल बीते 13 मई को अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का दौरा किया था। उन्होंने खुल्दाबाद स्थित औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाए थे। इस दौरान उनके साथ औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील भी थे। इसके बाद से ही शिवसेना और बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया था। राज ठाकरे की पार्टी के नेता गजानन काले ने दावा किया था कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे चाहते थे कि औरंगजेब के मकबरे को गिरा दिया जाए। काले ने शिवसेना से पूछा था कि क्या वो बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था उस पर अमल करना चाहते हैं।